आम्रखंड या मैंगो श्रीखंड बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप हंकड़। हंकड़ बनाने के लिए दही को 4-5 घंटे के लिए मलमल के कपड़े में हैंग करके रखना पड़ता है। उसके बाद हमें इस तरह का सॉफ्ट एंड क्रीमी हंकड़ मिलता है। ये 2 कप है जिसमें मैंने 1.5 कप शुगर लिया है पाउडर चीनी और ये 1 कप मैंगो प्यूरे है। ये मिक्स ड्राई फ्रूट है जिसमें मैंने काजू बादाम पिस्ता और चिरौंजी ली है। ये 1.5 टेबल स्पून इलायची और नटमेग का पाउडर है। आइए आम्रखंड बनाना शुरू करते हैं। ये हंकड़ है 2 कप लिया है जिसमें मुझे अभी ये पाउडर शुगर है 1.5 कप ये मिक्स करनी है। और 1 कप मैंगो प्यूरे है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। हंकड़ आप मार्केट से भी ले सकते हैं, वो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। अब हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके लेना है। यह हमने चमचे से मिक्स करके लिया है। इसको क्रीमी और सॉफ्ट बनाने के लिए हमें उसे मलमल के कपड़े से छान के लेना पड़ता है। मैं दिखाती हूँ आपको कि उसको मलमल के कपड़े से कैसे छानना है। मिक्सचर को हमने 5-10 मिनट के लिए रखा था। अब हम इसे इस तरह से मलमल के कपड़े से छान लेते हैं। ये इसके ऊपर इसे डालना है और सिर्फ चमचे से इसे इस तरह से हिलाना है। उससे ये कपड़े से पास होता है और बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी तैयार होता है। बहुत ही क्रीमी बनता है आम्रखंड, इसलिए आप उसे जरूर फॉलो कीजिए। इस तरह से आप हाथ से भी कर सकते हो, उसे हाथ से भी जल्दी से हो जाता है। सिर्फ हैंड ये इस तरह से, ये देखो इस तरह से अभी वो क्रीमी होके निकला है। अब हम उसे वापिस से दूसरे बाउल में लेते हैं और ये ड्राई फ्रूट्स और पाउडर इलायची और जायफल का पाउडर जो है वो उसमें मिक्स करते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। अब मैं इसे दूसरे बाउल में लेके मिक्स करती हूँ। ये ड्राई फ्रूट से जो मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, और ये जायफल और इलायची पाउडर, मैं बस अभी इसे मिक्स करना है सब चीजों को अच्छे से। हमारा आम्रखंड बनके तैयार हो गया है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके अनुभव मेरे चैनल पे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।